Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hi guys, let's start with today's CA, that is 20th July. You cannot believe in God until you believe in yourself. Aap tab tak bhagwan pe bharosa nahi kar sakte jab tak ki aapko khud pe bharosa nahi hoga. Yes, agar hum karma hi nahi karenge, agar hum study hi nahi karenge to kaise result aayega? Exactly. So isi thought ke sath पढ़ना शुरू करते हैं और कंटिन्यूस जब तक कि हमारा जो गोल है, जो कोई भी एग्ज़ाम है, या तो SBI क्लर्क मेंस है, NTPC है, MTS है, जो भी आपके गोल्स हैं वो सारे कॉन्कर हों, तब तक कंटिन्यूसली लगे रहेंगे. चलिए, इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स की पहली न्यूज़ है, जियो ने एयरटेल को पछाड़ा, अब बना दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर. जियो पिप्ड एयरटेल सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेटर नाउ. सो जियो यूज़र्स, काफ़ी अच्छी बात है कि जियो अब सेकंड नंबर पे आ गया है. अच्छा, जियो सेकंड नंबर पे आ गया तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? क्योंकि एयरटेल तो थर्ड नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर पे है आपका वोडाफोन. रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने भारतीय एयरटेल को पछाड़ते हुए मोबाइल सब्सक्राइबर बेस के मामले में दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर बन गया है. रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड हैज़ ओवरटेकन भारतीय एयरटेल to become the second largest operator in terms of mobile subscriber base. The data was given by the Telecom Regulatory Authority of India. यह data भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया था. As of May, and Jio had 322.98 million users as against Airtel 320.38 million users. तो आप देखिए कि जो difference है वो कितना है, 2 million plus something है. सो उससे जियो आपका सेकेंड नंबर पे हो गया है. एंड वोडाफोन आइडिया कंटिन्यूज इन द टॉप पोजीशन विथ 387.55 मिलियन यूजर्स. यहाँ पर अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि वोडाफोन आइडिया के आपके चेयरपर्सन कौन है या CEO कौन है, सो आपको ये ध्यान रखना है कि वोडाफोन एक अलग कंपनी थी, आइडिया एक अलग कंपनी थी, दोनों मिलकर मर्ज हुई. सो जब दो चीज़ें मिलती हैं तो क्या होता है, शक्ति बढ़ती है, बल बढ़ता है. सो वोडाफोन आइडिया के CEO हैं बलेश. सो आपको कैसे याद रखना है, बलेश. सो इनका नाम है बलेश शर्मा. जियो के मुकेश अंबानी, एयरटेल के गोपाल विट्ठल. इफ एनी ऑफ दिस कम्स यू कैन आंसर. जियो आप लोगों को पता है मुकेश अंबानी, और एयरटेल के क्या है, गोपाल विट्ठल. होप आप सबको ये ट्रिक से वोडाफोन आइडिया के CEO याद रहेंगे, जो कि बलेश शर्मा है. मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की बात आते हैं, विलय और अधिग्रहण देखते हैं क्या है. सो यहाँ पर L&T की बात हो रही है. लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड ने डिजिटल एवं एनालिटिक्स को मजबूत करने की विशेषज्ञ AI कंपनी लिम्बाइक का 38 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करते हेतु निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. सो यहाँ पर देखिए L&T और कौन सी कंपनी की यहाँ पर बात हो रही है, लिम्बिक कंपनी की हो रही है, जो कि एक स्पेशलिस्ट AI कंपनी है. AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी है. और कितने रुपए में है, 38 करोड़ रुपए में. तो आपको याद रखना है लार्सन एंड टर्बो एंड लिम्बिक. लार्सन L&T, लिम्बिक L&T, लिम्बिक. दूसरा देखिए, एबिक्स इंक हैज एक्वायर्ड यात्रा ऑनलाइन. सो यहाँ पर यात्रा और एबिक्स का एक्वायरमेंट हुआ है. तो देखिए, फॉर अ वैल्यू ऑफ $337.8 million इन ऑल स्टॉक डील, द टू कंपनीज हैव एंटर्ड इनटू डेफिनेट एग्रीमेंट अंडर विच एबिक्स विल अक्वायर यात्रा वाया मर्जर. सो यहाँ पर एबिक्स अक्वायर करेंगी यात्रा को, एबिक्स अधिग्रहण करेंगी, और ये कैसे होगा, मर्जर के थ्रू होगा. सो एबिक्स इंक ने ऑल स्टॉक डील में $337.8 million यात्रा ऑनलाइन इंक का अधिग्रहण किया है. दोनों कंपनियों के बीच एक निश्चित समझौता किया गया है, जिसके तहत एबिक्स विलय के माध्यम से यात्रा का अधिग्रहण करेगी. अब आते हैं हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे. सो देखिए, NIIT Limited has bagged the ASSOCHAM Education Excellence Award 2019 as the best innovative brand. So ये award मिला है किसको, NIIT Limited को मिला है. क्या, best innovative brand. और ये क्यों मिला है, it received the award for company's continuous effort to offer new cage career programs to address the changing workforce requirement. So देखिए यहाँ पर भी क्यों मिला गया, जैसे change हो रहा है लेकिन फिर भी कंपनी जुड़ी हुई है कि कैसे करियर प्रोग्राम्स जो भी चैलेंजेस हैं उनको हटाते हुए हेल्प करें.
बदलते कार्यबल की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु नए दौर के करियर कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए कंपनी के निरंतर प्रयास के कारण उसे यह पुरस्कार मिला है। सो जब भी चेंज होता है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और कंटिन्यूस एफर्ट्स करने चाहिए कि उसे हम कैसे बेटर कर सकें। पिछले 38 वर्षों में NIIT ने IT में 35 मिलियन से अधिक शिक्षार्थियों को प्रभावित करके IT क्षेत्र में बड़े पैमाने पर योगदान किया है। सो 38 ईयर्स से इन्होंने काफ़ी 35 मिलियन लोगों को हेल्प किया है और कंट्रीब्यूट किया है IT सेक्टर में। देखिए SOCHM के बारे में, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए आप, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द एपेक्स ट्रेड एसोसिएशंस ऑफ इंडिया। ये कौन है जिसने कि अवार्ड दिया है, इसके चेयरपर्सन है BK गोयनका। और NIIT को क्यों मिला है ये अवार्ड, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूस एफर्ट डाले हैं, उस चेंज को चैलेंज किया है, चाहे कितने भी चेंजेस आए उन्होंने पूरा एफर्ट डाला है कि कैसे वो अपनी वर्कफोर्स को तैयार करें। और ये जो अवार्ड है ये कहाँ हुआ है, कोलकाता में हुआ है। और किसने रिसीव किया है, शकेरा रॉय ने रिसीव किया है, जो कि जनरल मैनेजर है स्किल्स एंड करियर ग्रुप की। चलिए नेक्स्ट, यस शी इज अ स्टार स्पोर्ट पर्सन, देखते हैं। फॉर्मर ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट PT उषा हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन वेटरन पिन फॉर हर लॉन्ग एंड मेरिटस सर्विस टू द कॉज ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स। पूर्व ओलंपिक ट्रैक और फील्ड एथलीट PT उषा को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ने वर्ल्ड एथलेटिक्स के लिए उनकी लंबी और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वेटरन पिन के लिए नामित किया गया। सो उनको ये फेलिसिटेशन दिया गया है, किसकी तरफ से, IIAF, ये सम्मान दिया जा रहा है उन्हें। शी विल रिसीव द पिन ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 52nd IIAF कांग्रेस इन दोहा, दोहा में होगा ये। उषा इज ऑफन कॉल्ड द क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड। सो ये वाली लाइन आप प्लीज याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसको क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा PT उषा। PT उषा मार्क करेंगे, एक नंबर लेंगे या दो नंबर लेंगे। देखिए सो यहाँ पर PT उषा के बारे में दे रखा है, एक रिटायर्ड ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है और ये इंडियन एथलीट से जुड़ी हुई है। 1979 से उन्होंने 5 गोल्ड मेडल्स जीते थे, कब, एशियन गेम्स में, जब जकार्ता में हुआ था। और जो यहाँ पर हम IIAF की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, तो ये एक गवर्निंग बॉडी है किसके लिए, स्पोर्ट्स ऑफ एथलेटिक्स के लिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मोनेको में है। सो बिठा लीजिए, हेडक्वार्टर कहाँ है, मोनेको में। और IIAF के CEO जो है वो है जॉन रिडजियन। अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो ओलंपिक्स के हैं थॉमस बैच, ये आपको याद होने चाहिए। सो कतार की कैपिटल क्या है, दोहा, और करेंसी क्या है, रियाल। और देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट, कतार में जो है प्रेसिडेंट को हम लोग एमिर के नाम से बोलते हैं, तो वो है शेख तमीम बिन अहमद अल थानी। चलिए नेक्स्ट पे, यस अगेन एक स्टार स्पोर्ट्स पर्सन आए हैं। सो ये है सचिन तेंदुलकर, देखिए इन्हें भी किस चीज से सम्मानित किया गया है, 6th इंडियन इन ICC हॉल ऑफ फेम। ये किस चीज से सम्मानित हुए हैं, ICC हॉल ऑफ फेम, तो देखते पढ़ते। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सचिन तेंदुलकर, एलन डोनाल्ड और कैथरीन फिट्ज़पैट्रिक को ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। सो आप देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर हमारे इंडियन प्लेयर है, एलन डोनाल्ड जो है साउथ अफ्रीकन है, और कैथरीन पैट्रिक जो है वो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, वो फीमेल प्लेयर हैं। उनके अलावा जो दूसरे लोग इस सूची में हैं वो हैं अन्य भारतीय, जो उनका नाम है बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़। तो इन सब का नाम पढ़कर आपके दिमाग में पिक्चर बन गई होगी कि ये कौन कौन लोग हैं। सचिन तेंदुलकर के सभी प्रारूपों में 34,357 रन बनाए हैं और वे 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। सो देख लीजिए, 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक, सो दैट इज 100 इंटरनेशनल हंड्रेड्स अंडर हिज बेल्ट। सो आपको ये पॉइंट भी दिमाग में फ्रीज करना है कि वो एक द ओनली ओनली बैट्समैन टू हैव 100 इंटरनेशनल हंड्रेड्स अंडर हिज बेल्ट।
एनटीपीसी में सवाल पूछा जाएगा, डेफिनेटली मार्क कर लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो। यहाँ पर देखिए हमने अनाल डोनाल्ड की पिक्चर लगा रखी है जो कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर है। स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो आपको देखकर पता पड़ रहा है जिम्बाब्वे की टीम है। अगर जिन लोगों को नाम पता है टीम्स के तो चलिए देखिए, अब देखते हैं कि जिम्बाब्वे के बारे में क्या बात है। तो चलिए पहले शूटिंग की बात करें। हम रेगुलरली, हम जब से पढ़ रहे हैं तब से हम ये वाला करंट अफेयर रोज़ पढ़ रहे हैं, सुअल जर्मनी। तो अगर ये एग्ज़ाम में आ जाता है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, तो सबका आंसर एकदम टिक होना चाहिए सुअल जर्मनी में। ये कोई भी गलत करके नहीं आएगा, श्योर शॉट एक नंबर दो नंबर आएंगे इसके। तो देखिए, इन शूटिंग एक्सटेंडिंग इंडियाज डोमिनेशन एट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, सर्वजोत सिंह शॉट 239.6 टू बैक द मेन्स 10 मीटर्स एयर पिस्टल को। तो यहाँ पर इन्हें गोल्ड मिला है और सरबजोत सिंह जो हैं वो शूटिंग के प्लेयर हैं। दिस इज इंडिया 9th येलो मेडल एट द इवेंट इन सूल जर्मनी। सो हम रोज पढ़ रहे हैं तो हमें टैली याद हो कि अभी ये 9वां गोल्ड मेडल है इंडिया का यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में। कौन सा? जूनियर वर्ल्ड कप में। एकदम फ्रीज कर लीजिए दिमाग में। अब आ रही है जिम्बाब्वे की बात। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC हैज सस्पेंडेड जिम्बाब्वे क्रिकेट विद इमीडिएट इफेक्ट ओवर वायलेशन ऑफ ग्लोबल बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन विच डजंट अलाउ एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सो देखिए ICC का रूल है, ठीक है, कि जो क्रिकेट टीम है उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो भी क्रिकेट का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बनाया है, उसके अंदर गवर्नमेंट कभी इंटरवेंशन नहीं करेगी। और जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने किया है, इसकी वजह से उन्हें क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया गया है, बिल्कुल निकाल दिया गया है अभी के लिए, कुछ टाइम के लिए रोक लगा दी उन पर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जिम्बाब्वे क्रिकेट को वैश्विक निकाय के नियमों का उल्लंघन करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जिसमें किसी भी सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। देखिए अब MOU और एग्रीमेंट्स आते हैं हमारे, और ये है GEM और सेल के बारे में। तो देखते हैं क्या है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइन एन MOU टू सेटअप GEM ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन टीम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सरकारी ई मार्केट प्लेस और भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने GEM संगठनात्मक रूपांतरण दल परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। सो MOU किसने साइन किया है? एस सुरेश कुमार जो कि एडिशनल CEO हैं GEM के, और हरिनंद राय जो कि डायरेक्टर हैं सेल के। सो चलिए देखते हैं। सेल क्या हुआ है ये मार्क कर लीजिए। सेल जो है वो पहला PSU बना है जिसने कि एस्टेब्लिश किया है GOOTT PMU फॉर ट्रांसफॉर्मिंग देयर प्रोक्योरमेंट लैंडस्केप दो इट्स MOU। सो इस MOU के थ्रू सेल फर्स्ट PSU बना है। चलिए नेक्स्ट। MOU साइन टू इरेडिकेट TB बाय 2025। सो यहाँ पर TB ट्यूबरक्लोसिस, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री साइन एन MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डिफेंस एंड रेलवे टू स्ट्रेंथन द एफर्ट्स टूवर्ड्स अ TB फ्री इंडिया बाय 2025। चलिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री साइन एन MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डिफेंस एंड रेलवेज, ठीक है। आयुष के श्रीपद येसो नायक हैं, डिफेंस के हैं आपके राजनाथ सिंह, रेलवेज के आपके पीयूष गोयल, और इन्होंने स्ट्रेंथन किया द एफर्ट्स टुवर्ड्स द TB फ्री इंडिया बाय 2025। अब देखिए, अराउंड 28 लाख पीपल कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज एवरी ईयर इन द कंट्री एंड 4 लाख पीपल डाई एवरी ईयर। सो देखिए, TV का एडवर्टाइजमेंट भी आता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो अमिताभ बच्चन आते हैं TB के बारे में बताने के लिए। सो TB जो डिजीज़ है, अगर आपको कंटिन्यूसली खांसी हो रही है तो आपको जाना चाहिए और इसका इलाज लेना चाहिए। और इसका इलाज जो है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़ा लिया और छोड़ दिया, पूरा इलाज लेंगे पूरी जड़ से चली जाएगी TB। TB विल बी एरिडिकेटेड फ्रॉम द कंट्री इन द सेम वे पोलियो वॉज टोल्ड बाय हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। सो देखिए, सचिन भाटी जी, आपने उस दिन भी बोला था, सो अभी भी देख लीजिए, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। प्लीज़ अपडेट करिए अपने आप को। और आई थिंक जब डिफेंस मिनिस्टर बोला होगा तो काफ़ी लोगों के दिमाग में क्लिक भी हुआ होगा, निर्मला सीतारमन। तो नहीं, अब निर्मला सीतारमन नहीं रही हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर बन चुकी हैं और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो राजनाथ सिंह हैं। तो प्लीज़, इसको मैंने रिपीट कर दिया है आप लोगों के लिए।
BSE हरियाणा गवर्नमेंट साइन पैक्ट। सो देखते हैं BSE ने क्या किया है कि इंक्ड किया है पैक्ट विथ हरियाणा गवर्नमेंट टू एनकरेज एंड सपोर्ट स्टेट्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज MSME टू रेज कैपिटल। सो यहाँ पर देखिए कि MOU एग्रीमेंट हुआ है BSE और हरियाणा के बीच में। अब क्या हुआ है, हरियाणा सरकार और BSE SME के लिए BSE के समर्पित मंच के माध्यम से धन जुटाने में SME को सुविधा देना चाहता है। सो ये हेल्प करेंगे किसको, SMEs को, कि उनको इजी ईज हो फंड रेज करने में। By getting listed on the BSE's SME platform, the enterprise will get equity financing opportunities. BSE के SME platform पर सूचीबद्ध होने से उद्यमों को इक्विटी वित्त पोषण के अवसर मिलेंगे। सो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा जो इसके हैं, हरियाणा की जो कैपिटल है देख लीजिए आप चंडीगढ़, CM है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ लेते हैं अपने। तो ये देखिए क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंडियन एक्सचेंज लोकेटेड एट दलाल स्ट्रीट मुंबई। सो मुंबई में है BSE। और इसका देखिए एक और करंट अफेयर है जो कि आपके ये BSE के बारे में, कि इसने 40 साल BSE के इंडेक्स ने, BSE के जो सेंसेक्स है जो इंडेक्स होता है उसने 40 साल पूरे कर लिए हैं कंप्लीट, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1875 में लेकिन स्टार्ट हुआ था 1979 से। सो 1979 से 2090 तक 40 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। सो ये भी याद रखिए आपके किस पर्टिकुलर, अगर पूछा जाए आपका कि BSE के इंडेक्स को कितने साल हो गए हैं कंप्लीट, कौन सी एनिवर्सरी है, तो मार्क करके आइएगा 40th एनिवर्सरी। चलिए नेक्स्ट आ गया है भारत पे। यहाँ पर मैंने रिविजन में भी करवाया था, भारत पे क्या करना है आपको याद रखना है, भारत मूवी किसकी है, सलमान खान की। तो भारत पे के एम्बेसडर भी कौन है, सलमान खान है। फोन पे आएगा तो फोन पे के हैं आमिर खान। आमिर खान आते हैं, अगर मैं आपको याद करवा दूं, अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, टीवी देख रहे होंगे, तो आप देखे होंगे कि आमिर खान एकदम एक बूढ़े से अंकल बनकर आते हैं और वाइट वाइट बाल के साथ और मूछे लगाकर, तो वो आमिर खान है। और आमिर खान फोन पे के आपके ब्रांड एम्बेसडर है। अब देखिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है भारत पे का। सो ये तो याद रखना ही है कि सलमान खान एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर। अब किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। भारत पे हैज अपॉइंटेड पवन पाठक एज इट्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड अभिषेक शर्मा एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट। तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, तो किसे बनाया गया, पवन पाठक को सीनियर और जो अभिषेक वर्मा को है वाइस प्रेसिडेंट। कंपनी मर्चेंट इंटरऑपरेबल QR कोड प्रदान करती है जिसका उपयोग ग्राहकों से डिजिटल भुगतान लेने हेतु किया जा सकता है। तो हम सब जानते हैं चाहे गूगल पे हो, चाहे फोन पे हो, चाहे भारत पे हो, सब में हम लोग क्या हैं, आप लोग QR कोड से भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, तो वो फीचर हम सभी को पता है। देखिए भारत पे हैज ऑपरेशन इन 13 सिटीज एंड सर्व्स ओवर 10 लाख मर्चेंट्स। सो 13 सिटीज में है ऑपरेशन इनके और 10 लाख व्यापारी इसके साथ जुड़े हुए हैं। पॉलिटी पे आते हैं, चलिए बिल पे आ गए हम। तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ट 3 बिल्स, 3 बिल्स पास किए हैं। गाइस हम लोग जब से करंट अफेयर्स कर रहे हैं रोज कोई ना कोई बिल रेगुलरली हम पढ़ते हैं। सो ये बिल्स भी आप देख लीजिए कि इस टाइम पे जब आपका, अब जब SBI क्लर्क की बात कर लें, मेंस की बात, या फिर आपका जो RRB जो होगा आपका ऑफिसर स्केल 1 मल्टीपर्पज, तो उसमें बिल से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं। सो आप अभी से अच्छे से पढ़ लीजिए बिल, जिससे कि उस समय जब पढ़ेंगे तो एक रिविजन हो जाएगा। तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली पास 3 बिल्स रिप्लेसिंग ऑर्डिनेंसेज रिलेटेड टू म्युनिसिपल लॉज, रेगुलेशन ऑफ एज ऑफ सुपर एन्यूएशन एंड स्टेट कमीशन फॉर डेप्ट रिलीफ। सो देखिए यहाँ पर 3 बिल हैं, एक है म्युनिसिपल रेगुलेशन जो कि एज के लिए आयु सीमा के विनियमन, यानी कि जब आप रिटायरमेंट का जो एज है वो, और स्टेट कमीशन फॉर डेप्ट रिलीफ। तो क्या है देखते हैं, they are meant for facilitating more divisions in municipality, increasing the retirement age of professors in medical college. So जो age है आपका जो medical colleges का, उसमें क्या है retirement को increase कर दिया है 65 साल कर। So अब क्या age होगी, 65 years होगी। अब CM चंद्रशेखर राव, यहाँ पर CM already आ चुका है आपके note की line में, कि इसके CM जो है वो है चंद्रशेखर राव, उन्होंने introduce किया है तेलंगाना municipality bill 2019। सो देखिए क्या है म्युनिसिपैलिटी बिल 2019, ये जो बिल है इसमें क्या है, तेलंगाना सरकार ने ये बोला है कि जितनी भी इलीगल जो भी कंपनीज हैं,
जो भी इलीगल कंपनीज रहेंगी तेलंगाना में, उसमें क्या होगा, उन्हें जो भी उनके ओनर्स हैं उन्हें 3 साल की सजा हो जाएगी। उसका जुर्माना है क्या है, 3 साल की जेल में सजा काटना, और या फिर 25% जो उस लैंड की जो प्रॉपर्टी है या उस बिल्डिंग की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू दी जानी पड़ेगी तेलंगाना म्यूनसिपलिटी को। तो आप समझिए क्या है, अगर इलीगल उनको बिल्डिंग्स दिखे तो आपको 3 साल की जेल है, प्लस क्या है, और 25% जो उस बिल्डिंग का वैल्यू है उसका अमाउंट आपको तेलंगाना म्यूनसिपलिटीज को देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बिल क्या है, लोकसभा पास्ड फाइनेंस बिल 2019। तो यहाँ पर अब लोकसभा ने फाइनेंस बिल पास कर दिया है, सो पढ़ते हैं हम इसके बारे में। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2019 पारित किया जो वर्ष 2019-2020 के लिए केंद्र सरकार के प्रस्तावों को प्रभावी बनाता है। सो जब बिल पास हो गया है तो इससे क्या हुआ है, जो भी स्टेप्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एकदम इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे और इफेक्ट देंगे उन प्रपोजल्स को। देखिए यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन है फर्स्ट फुल्ली फ्लेश्ड फाइनेंस मिनिस्टर। आपकी इंदिरा गांधी फुल्ली फ्लेश्ड नहीं थी, वो खुद से बनी थी, बट यहाँ पर निर्मला सीतारमन को दिया गया, फुल्ली फ्लेश्ड बनाया गया। पॉइंटेड आउट दैट सेड अमेंडमेंट्स विल प्रमोट मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप्स। सो ये जो अमेंडमेंट हैं काफ़ी हेल्प करेंगे आपका मेक इन इंडिया में और स्टार्टअप्स में। गाइज मैं आपको एक सजेशन या फिर एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप ऐसे जो टाइप के क्वेश्चंस हैं, मेक इन इंडिया का लोगो है ये, आपका स्वच्छ भारत का लोगो है, और भी जो ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं या इम्पॉर्टेंट उनके लोगोज डेफिनेटली याद करिएगा, आपको NTPC में पूछे जाएंगे और हम इसकी क्लास भी ले लेंगे लोगोज़ वाली। अब ये कैसे हेल्प क्या कर रहे हैं, क्या द डिडक्शन ऑन द लोन इंटरेस्ट इज टू एनकरेज बायर्स कीपिंग इन द माइंड स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, समझिए क्या पॉइंट्स हैं। अब आपके जो पॉइंट्स हैं इस फाइनेंस बिल में क्या क्या बोला गया है, तो फाइनेंस बिल में पहली चीज़ तो ये बोली गई है कि टैक्स पे जो आपका जो टैक्स है उसका जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दिया है ना, जो 2 से 5 करोड़ वाले लोग हैं उनका टैक्स इंक्रीज कर दिया है 15 से 25%। सो उनको 25% देना पड़ेगा। देन आपका 5 करोड़ से अगर ऊपर करते हैं तो वो 37% हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इनडायरेक्ट जो GST जो हमारा जो टैक्स है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होंगे जिससे कि क्या होगी, थोड़ी ईज आएगा, थोड़ा सिंप्लिसिटी आएगा GST में। और तीसरी चीज़ जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोगों ने अगर आप लोगों ने पिछला CA पढ़ा है तो आपने ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी कि मैंने लाइन ऑफ ड्यूटी की बात की थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, जब लाइन ऑफ ड्यूटी पे अगर कोई सैनिक मर जाते हैं सो उनका क्या इंक्रीज किया था, 25 लाख से 1 करोड़ रुपीज़ जुर्माना, जो या मुआवजा बोल सकते हैं, मुआवजा सही वर्ड क्या होगा, मुआवजा, कि उनकी फैमिलीज़ को 25 लाख से हटकर अब 1 करोड़ रुपये मुआवजा मिलेगा। सो ये बात हुई थी आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। सो अब इस फाइनेंस बिल में क्या हुआ है कि लाइन ऑफ ड्यूटी पे जो भी आपके जितने भी जवान हैं उनमें से जो डिसेबल्ड हो जाते हैं, जो घायल हो जाते हैं, तो उनको जो पेंशन मिलेगी उस पेंशन को क्या किया जाएगा, उस पर टैक्स नहीं इम्पोज किया जाएगा, वो टैक्स फ्री पेंशन दी जाएगी। और ये किसने बोला है, ये फाइनेंस बिल में तो जुड़ा ही है लेकिन ये जो चीज़ थी ये डिफेंस के यहाँ से आई थी कि ऐसा होना चाहिए, सो ये इसको अप्रूव किया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं यूनियन HRD मिनिस्टर ने क्या किया है। सो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, सी गाइस यहाँ पर आप देखिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, सो इसको ये जैसे कि काफी बड़ा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सो आपको इसको याद करने का एक तरीका जो है कि HRD, यहाँ पर भी 3 वर्ड्स हैं HRD, वैसे ही इसके जो मिनिस्टर है उनमें भी 3 वर्ड्स है RPN, सो रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने एक लॉन्च किया है प्रोग्राम जिसका नाम है परामर्श यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC स्कीम ऑन 18 जुलाई 2019। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, देखते हैं क्या है। इट विल मेंटर नेशनल एक्रेडिशन एंड असेसमेंट काउंसिल एक्रेडिशन एस्पिरेंट इंस्टीट्यूशन। सो
स्कीम विल टारगेट 100 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर मेंटरिंग विद अ स्पेसिफिक फोकस ऑन क्वालिटी। सो यह योजना गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के साथ 1000 उच्च शिक्षा संस्थानों को लक्षित करेगी। सो इसका नाम क्या है? परामर्श है। ये राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद प्रत्यायन आकांक्षी संस्थानों को परामर्श देगी। सो इसमें कवर कितने इंस्टीट्यूशंस को करेगी? 1000। और नाम है इसका परामर्श, और याद करने का तरीका है HRD रमेश पोखरियाल निशंक, HRD 3 RPN 3। देखिए डिफेंस पे आते हैं, और डिफेंस की क्या बात हुई है तो यहाँ पर देखिए INS सागर ध्वनि एम्बार्क्ड ऑन सागर मैत्री मिशन रवाना हो गया है। क्या सागर मैत्री किस मिशन के लिए? सागर ध्वनि के लिए। सो देखिए यहाँ पर अगर आता है एग्जाम में क्वेश्चन तो आई थिंक बहुत इजी हो जाएगा। सागर ध्वनि है और सागर मैत्री है, तो आप ये ध्यान रखिए कि सागर जो है, जो ध्वनि है वो क्या होगी? मैत्री यानी मित्रता। अगर मित्रता अच्छी होती है तो ध्वनि भी अच्छी निकलती है, जो साउंड होती है। अगर हम सारे फ्रेंड्स हैं तो काफ़ी हैप्पी हैप्पी साउंड निकलती है, लेकिन अगर आप जिन लोगों को पसंद नहीं करते हो या जिन लोगों से आप दूर रहते हो तो उनके साथ आपकी साउंड क्या होती है? थोड़ी सी अजीब सी होती है या लड़ाई वाली हो जाती है। तो जो फ्रेंड्स हैं उनकी ध्वनि क्या आएगी? मीठी आएगी। तो सागर मैत्री और सागर ध्वनि। DRDO के महासागरीय अनुसंधान पोत INS सागर ध्वनि को 18 जुलाई 2019 को कोची में दक्षिण जेटी दक्षिण नौसेना कमान SNC से 2 महीने लंबे सागर मैत्री मिशन 2 के लिए रवाना किया गया है। तो INS सागर ध्वनि जो है वो डिजाइन और डेवलप किसने किया है? नेवल फिजिकल एंड ओशन ग्राफिक लेबोरेटरी NPOL। कहाँ से है? कोची से है। सागर मैत्री मिशन 2 कमेमोरेट्स द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ शिप INS कित्सना मिशन। सो यहाँ पर ये किस मिशन को सेलिब्रेट कर रही है? किसके? गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली यानी कि 50 साल। सो वो है कित्सनाज मिशन, सागर मैत्री मिशन 2 जहाज INS कित्सना के मिशन के स्वर्ण जयंती समारोह का स्मरण है। देखिए अब रेलवेज क्या कर रहे हैं, तो रेलवेज एक रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाल रहे हैं। सो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है सारे एस्पिरेंट्स के लिए। भारतीय रेलवे 19 जुलाई 2019 से पैरामेडिकल श्रेणियों के लिए सबसे बड़ा भारतीय अभियान आयोजित करेगा। सो इट इज़ फॉर पैरामेडिकल कैटेगरी। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर रिक्वायरमेंट टू 1923 पोस्ट फॉर पैरामेडिकल कैटेगरीज विल बी कंडक्टेड ओवर 3 डेज। तो 3 दिन के लिए होगा ये जो आपका टेस्ट होगा वो 3 डेज के लिए होगा, और ये कितने के लिए? 1923। और इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में क्या होगा? ये भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऐसी भर्ती है जिसमें पात्र उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध होगा। मींस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वाली जो रिजर्वेशन होगी वो ये पहली ड्राइव है रेलवे की जिसमें कि ये चीज़ इंक्लूड होगी। और रेलवे के चेयरमैन जो हैं वो हैं विनोद कुमार यादव। चलिए नेक्स्ट पे। सो ये 3 अफ्रीकी देशों का दौरा करेंगे। कहाँ कहाँ करेंगे चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 जुलाई 2019 से शुरू होने वाले बेनिन, गिनी, क्रॉनकी और गाम्बिया की एक सप्ताह की यात्रा पर जाएंगे। यह भारत की ओर से 3 पश्चिम अफ्रीकी देशों की अब तक की सबसे उच्च स्तरीय यात्रा होगी। सो दीज आर वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। 2014 में जब से मोदी सरकार ने कार्यभार संभाला तब से संसाधन संपन्न अफ्रीका के लिए उच्च स्तरीय यात्राओं में वृद्धि हुई है, खासकर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के। सो आपने देखा कि जब से मोदी गवर्नमेंट इन हुई थी तो काफ़ी इंटरनेशनल अफेयर्स, काफ़ी MOU, काफ़ी एग्रीमेंट्स बहुत इंक्रीज हुए थे न्यूज़ में। सो इसका रीज़न यही है कि काफ़ी हम डेवलपमेंट की ओर जा रहे थे, मोदी सरकार ने काफ़ी डेवलपमेंट की तरफ लेके गए हैं और काफ़ी डेवलपमेंट हुए भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको बेनिन की जो कैपिटल है वो है पोर्ट नोवो, करेंसी है CFA franc या फिर वेस्टर्न अफ्रीकन CFA franc, और इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो है पैट्रिस टैलन। ज्यूना की जो कैपिटल है वो कोनाक्री है, करेंसी है ज्यूनियन फ्रैंक, और जो आपके प्रेसिडेंट है वो है अल्फा कॉन्डे। गैम्बिया की बात करें कैपिटल बंजुल, करेंसी, और ये जो इनके जो प्रेसिडेंट है वो है एडामा बैरो। बात आ गई है IIT मद्रास की।
IIT Madras to offer tech MBA to undergraduate. Undergraduate के लिए IIT Madras ने शुरू किया tech MBA. So MBA की बात हो रही है और ये कौन ऑफर कर रहा है? IIT Madras, जो कि फर्स्ट काइंड ऑफ टेक MBA प्रोग्राम फॉर इट्स अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स. तो जितने भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में जो ऑलरेडी हैं उनके बच्चे, उन लोगों को वो टेक MBA का कोर्स भी देंगे. द स्टूडेंट टेकिंग टेक MBA प्रोग्राम विल बी अवॉर्डेड 2 डिग्रीज, इंजीनियरिंग UG डिग्री, BTech एंड मास्टर्स डिग्री इन मैनेजमेंट. सो दो उनको डिग्रीज मिलेगी, कहाँ से? IIT मद्रास से. द इंस्टीट्यूशन इज इंट्रोड्यूसिंग द प्रोग्राम फ्रॉम अकेडमिक ईयर 2019-20 एंड इट विल हैव एन इनटेक ऑफ 25-30 स्टूडेंट. सो ये 2019 और 20 के लिए है और इसमें 25-30 बच्चों का बैच होगा. अगर ये, अगर हम IIT की बात करें तो यहाँ पर देखिए IIT मद्रास के जो आपके जो हेड करते हैं उनका नाम है भास्कर रामामूर्ति. और इसी के साथ देखिए एक और इम्पॉर्टेंट जो IIT से रिलेटेड जो आपका करंट अफेयर था वो मैं लेके आई हूँ. यहाँ पर देखिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2019 वॉज रिलीज्ड. कब हुआ था? अप्रैल 9, 2019 में हुआ था. किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो उन्होंने क्या किया था कि कैटेगरीज दी थी कि बेस्ट कौन सी यूनिवर्सिटी है, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, मैनेजमेंट कौन सा है, फार्मेसी कौन सा है, आर्किटेक्चर एंड लॉ. तो यहाँ पर रैंकिंग है ना. तो NRF 2019 टॉप 10 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑल कैटेगरीज. सो देखिए आप यहाँ पर सारे हैं. मद्रास है टॉप पे, फिर साइंस बैंगलोर है, IISc है, फिर IIT दिल्ली है, IIT बॉम्बे है, खड़गपुर है, कानपुर है, JNU है, IIT रुड़की है, IIT गुवाहाटी है एंड BHU है. सो ये 10 है ओवरऑल में. अगर हम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे तो IIT मद्रास है. सो आपका एक करंट अफेयर अगर इसमें पूछा जाता है कि NIRF इंडियन रैंकिंग में कौन सा टॉप इंजीनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है, तो वो आपका IIT मद्रास होगा. अगर आपकी यूनिवर्सिटी पूछी जाती है तो IISc बैंगलोर होगा, और अगर आपका मैनेजमेंट स्कूल पूछा जाता है तो IIM बैंगलोर होगा. इसके साथ एक और चीज़, अगर मैंने रिविजन क्लास कल जब ली थी तो मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको कि फुलेला गोपीचंद को डिग्री दी है ऑनरी. यस, तो वो कौन सी IIT ने दी है? प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर हमने रिवीजन क्लास में पढ़ा है. चलिए तमिलनाडु की बात हो रही है. यहाँ पर 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स टू बी फॉर्म्ड इन तमिलनाडु. बहुत ही अच्छा ये एक नेशनल अफेयर है और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है. आप लोग देखे होंगे कि साल में काफ़ी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं. सो देखिए तमिलनाडु में 2 नए जिले बनने जा रहे हैं जिससे राज्य में कुल जिलों की संख्या 35 हो गई है. सो पहले 33 थी, अब क्या हो जाएगी? 35 हो जाएगी. 10 डिस्ट्रिक्ट वुड बी कार्व्ड आउट ऑफ तिरुनेलवेली एंड चेंगलपलेट डिस्ट्रिक्ट वुड बी एस्टेब्लिश्ड बाय स्प्लिटिंग कंचीपुरम डिस्ट्रिक्ट. सो 2 के नाम क्या है? 10 जिले को किससे हटाया जाएगा? तिरुनेलवेली से अलग किया जाएगा और चेंगलपलेट जिले जो है उसको कांचीपुरम से किया जाएगा. नए जिलों के गठन के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी. सो स्पेशल ऑफिसर्स को क्या किया जाएगा? अपॉइंट किया जाएगा न्यू डिस्ट्रिक्ट्स के फॉर्मेशन के लिए. HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन इसमें देखिए और क्या है. उन्होंने रिलीज किया है UGC गाइड टू स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम. सो देखिए एक और चीज़ उन्होंने क्या की है, आप देखिए HRD में आपको पढ़ा चुके हैं HRD RPN. सो रमेश पोखरियाल निशंक, आप निशंक याद रख लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट निशंक, तो आपको याद हो जाएगा अपने आप ही रमेश पोखरियाल निशंक. सो यहाँ पर इन्होंने किया है दीक्षा आरंभ की बात हुई है, ठीक है. सो दीक्षा आरंभ क्या है? इन्होंने एक स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम किया. तो जैसे कि अगर आप में से जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने अगर पहले कहीं जॉब की है या आप कभी जॉब की होंगी, तो हर जगह क्या होता है या आप किसी नई जगह जा रहे हैं जैसे कि IIT या IIM में ऐसी चीज़ें होती हैं. इंडक्शन प्रोग्राम क्या होगा कि अब ये सारे इंस्टीट्यूट्स में होगा इस तरीके से कि जब भी आप कहीं नई जगह जा रहे हैं तो हम लोग जानते नहीं हैं, हम लोग फैमिलियर नहीं होते. कई बार कुछ लोगों के साथ होता है कि उनके नए दोस्त बन जाते हैं बहुत ईजीली, जो कि एक्स्ट्रोवर्ट पीपल हैं वो ईजीली बना लेंगे, लेकिन जो इंट्रोवर्ट हैं जो काफ़ी कम बोलते हैं उनके लिए दोस्त बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है नई जगह में जाने में, उसके जो माहौल है इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने में मुश्किल हो जाती है. तो कैसे उसको किया जाए, तो इसी के लिए ये एक प्रोग्राम है दीक्षा आरंभ, जो कि इंस्टीट्यूशंस के लिए यानी कि कॉलेजेस के लिए स्टार्ट किया गया है,
जहाँ पर कि जब भी नए जो बच्चे आएंगे, जो नए बच्चे जा रहे हैं किसी कॉलेज में, तो उनके क्लासेस पहले शुरू नहीं होगी। सो उनके लिए ये प्रोग्राम चलेगा दीक्षारम्भ, जिससे कि वो पूरे इन्वायरमेंट से जान ले, वहाँ पे गुल मिल जाए और उसके बाद उनकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगी। बिकॉज ये एक चीज़ काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कहीं नई जगह जाते तो बहुत लोग स्ट्रेस हो जाते हैं, बहुत लोगों को डिप्रेशन सा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। सो ये एक काफ़ी कल्चर के लिए एक नया स्टेप है, सो काफ़ी अच्छा स्टेप है, काफ़ी अच्छी मुहिम ली गई है HRD मिनिस्टर के द्वारा। देखिए अब जो सेकंड जो बात हुई है वो है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन जुलाई 2019। द बिल प्रोवाइड्स फॉर अ कॉम्प्रहेंसिव मैकेनिज्म टू बैन अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स। तो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स पे जो है बैन लगेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात हुई है यहाँ पर। G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स अग्री प्लान फॉर टैक्सिंग, कर लगाने पर G7 वित्त मंत्रियों के बीच सहमति। तो पढ़ते हैं, G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन फ्रांस अग्रीड अ प्लान फॉर टैक्सिंग डिजिटल कंपनी सच एज फेसबुक एंड गूगल दैट विल सेट अ मिनिमम लेवल ऑफ टैक्सेशन फॉर देम। सो यहाँ पर अब देखिए क्या हुआ है कि इन्होंने एग्री किया है कि इन डिजिटल कंपनीज पे क्या होगा, टैक्स लगाएंगे। G7 look forwards to further progress in the context of G20 and a global agreement on the outlines of architecture by January 2. So G7 G20 के संदर्भ में आगे बढ़ने और जनवरी 2020 तक वास्तुकला की रूपरेखा पर वैश्विक समझौते पर तत्पर हैं। Ministry fully supported a two-pillar solution to be adopted by 2020. So यहाँ पर G7 की बात आ रही है guys। देखिए G7, so मैं एक ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को। जैसे आपका, देखिए आप क्या कर रहे हैं, जूस पीने जा रहे हैं आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है। तो जैसे आपका जापान, यू से आपका USA, आई से आपका इटली, सी से आपका कनाडा, ई से आपका इंग्लैंड। तो ये हो गया जूस, क्या हो गया, रिपीट करेंगे फिर से मेरे साथ, आप रिपीट करिए। जैसे आपका हुआ जापान, यू से हुआ आपका USA, आई से हुआ आपका इटली, सी से हुआ आपका कनाडा और ई से हुआ इंग्लैंड। सो दिस इज जूस। अब हम आते हैं GF पे। तो GF कौन सी दो हो गई है, एक हो गई जर्मनी और एक हो गई फ्रांस। ड्रिंक जूस विथ माई गर्लफ्रेंड दैट इज जापान, USA, इटली, कैनेडा, इंग्लैंड इन GF, जर्मनी, फ्रांस। होप आप सबको ये ट्रिक बड़ी पसंद आएगी और आपको बहुत चुटकियों में याद हो जाएगा ड्रिंक जूस विथ माई गर्लफ्रेंड। तो ये आपकी G7 की कंट्रीज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिया एंड वर्ल्ड। सो इसमें यहाँ पर क्या आ रहा है, इंडियन वाटरवे की बात आ रही है, इंडियन वाटरवे टू ट्रांसपोर्ट कार्गो, माल परिवहन हेतु भारतीय जलमार्ग का इस्तेमाल। द फर्स्ट एवर यूज ऑफ इंडियन वाटरवे विल ट्रांसपोर्ट कार्गो फ्रॉम भूटान टू बांग्लादेश वाया इंडिया। ये जो है ये पहले भी हम पढ़े हैं, ये वाली चीज पहले भी न्यूज में आई थी। तो अब देखिए इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और इसके आगे इसकी बात हो रही है। फॉर दिस अ शिपमेंट ऑफ स्टोन एग्रीगेट वॉज फॉर्मली रिसीव्ड एट नारायणगंज बाय द इंडियन हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश रीवा गांगुली दास अलॉन्ग विथ एम्बेसडर ऑफ भूटान टू बांग्लादेश दैट इज सोनम टी रागवे। इसके लिए बांग्लादेश के भारतीय उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास बांग्लादेश के भूटान के राजदूत सोनम टी रागवे के साथ नारायणगंज में औपचारिक रूप से पत्थरों का शिपमेंट प्राप्त किया गया। तो मैंने आपको जो वाटरवेज थी, मैंने आपको अगर आपको याद है कि पिछले टाइम जब हमने CA किया था तो मैंने उसके अंदर वाटरवेज के आपको स्लाइड्स दी थी, उसमें वाटरवे 1, वाटरवे 2 अगर आपको याद है, वाटरवे 3, 4, 5 और 6 सबकी ऐड की थी। तो ये जो बात हो रही है ये भूटान टू बांग्लादेश आपकी वाटरवे 2 की बात होगी। और आप उस PDF को खोलिए या उस वीडियो पे वापस जाइए, पूरा रिवीजन करेंगे आप इस चीज़ का और हम इसको वापस रिवीजन में लेकर आएंगे, लेकिन फर्स्ट आप लोग रिवीजन करेंगे इसका। सो गाइस, भारतीय मालवाहक जहाज MV AAI 16 जुलाई 2019 को बांग्लादेश नारायणगंज पहुंचेगा। जैसा कि आप लोगों ने आपके कमेंट्स में दिया था कि आप लोगों को रिवीजन चाहिए है, कैसे, क्विज के फॉर्म में, तो चलिए आज हम वो लेके आए हैं और ये कल के क्वेश्चंस हैं जो कि हम रिवाइज करेंगे। सो यहाँ पर चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया जाएगा। सो आप लोगों को मैं टाइम देती हूँ, पढ़िए और आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। When will the Indian Space Research Organization launch the Chandrayaan 2? चलिए आंसर देखते हैं और आंसर है 1st 22 जुलाई 2019। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
जुलाई 2019 में डैश समिति ने चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार को अधिशेष के नामांतर हस्तांतरण का प्रस्तावित दिया है. सो इन जुलाई 2019 द डैश कमिटी हैज प्रपोज्ड अ नॉमिनल ट्रांसफर ऑफ सरप्लस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ फेज्ड मैनर. सो जो लोग कल वाले सीए में थे, लोगों को डेफिनेटली कमेटी का नाम याद होगा जिसने कि ये बोला था कि जो कि जितना भी सरप्लस जो अमाउंट होता है आरबीआई के पास 3 से 5 साल की अवधि में, वो आरबीआई गवर्नमेंट को दे दे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दे. सो इसका आंसर क्या है देखते हैं. बीमल जलन कमिटीज का आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. द डैश गवर्नमेंट हैज एक्सपांडेड इट्स गो ग्लोबल इनिशिएटिव टू इंडिया इन जुलाई 2019. जुलाई 2019 में सरकार ने भारत के लिए अपनी गो ग्लोबल पहल का विस्तार किया. चलिए आप लोग पढ़िए और सोचिए आंसर क्या है. अगर ये रिविजन बेसिस पे आपको चाहिए, आप लोगों को याद है कल का क्विज क्या था, तो आंसर है यूके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2019 रिपोर्ट. ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है. सो गाइस देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा. देखिए ऑप्शन जो हैं आपके वो कन्फ्यूजन वाले हैं. 1 2 3 तो कन्फ्यूजन वाले ही हैं. 4 5 तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर 1 2 3 बिल्कुल कन्फ्यूजन वाले हैं. इसमें जो दो ऑप्शन हैं वो फर्स्ट नंबर पर है और सेकेंड नंबर पर है. याद आया आप लोगों को. सो आंसर क्या है, मोस्ट वैल्यूबल जो है ब्रांड वो है टाटा एंड सेकंड जो है वो है LIC. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आराम से पढ़िए और अगर सही भी नहीं होता है तो कल के एक बार सीए आप लोग थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा, है ना. Microsoft Corp AT&T Inc. reached a deal under which telecommunication company will tap Microsoft Azure cloud service for its computing needs and use Microsoft 365. Under the deal, both will also work together. One edge computing which will see Microsoft technology deployed alongside AT&T's coming 5G network. The multi-year deal is worth more than $2 billion. Options dekhiye. Only two and three ऑल आर करेक्ट. सो आंसर इज, देखिए ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इतने फैक्ट्स याद नहीं रहते, तो देखते हैं आंसर क्या है. ऑल आर करेक्ट. चलिए नेक्स्ट पे. सो यहाँ पर अपनी बात हुई थी किसके बारे में, इंस्टीट्यूशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड डैश इन द एरियाज ऑफ रीजनरेटिंग मेडिसिन एंड 3D बायोप्रिंटिंग. ऑप्शन देख लीजिए क्या है, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड एंड जर्मनी. सो आपका आंसर रेडी है. चलिए आंसर की स्लाइड पर चलते हैं हम लोग. आंसर इज यूएसए. चलिए नेक्स्ट. यहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट है और अपॉइंटमेंट मैंने बोला है बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को. और ये कल के सीए में हम लोगों ने देखिए पढ़ा है माइंडट्री के चेयरमैन के बारे में और फोटो भी लगी थी उनकी साथ में. सो ऑप्शंस देख लिए, कृष्ण कुमार नटराजन, अजय त्रिपाठी, ए एम नायक, के वी कामत एंड आलोक वर्मा. सो आंसर देखिए. और गाइज इसमें जितने ऑप्शंस हैं ये आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या क्या है. सो ऑप्शन एलिमिनेशन भी काफी काम आएगा, सो प्लीज वर्क ऑन दैट ऑल्सो. सो देखिए आंसर है ए एम नायक. ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और ये मैंने काफी अच्छे से समझाया है आपको. पढ़ते ही आपको याद आना चाहिए कि व्हाट इज द रैंक ऑफ बिल गेट्स एज पर द ब्लूमबर्ग इंडेक्स रिलीज इन जुलाई 2019. कौन सा बिलियनियर इंडेक्स, 1 2 3 4 5. आंसर जल्दी से मुझे बताइए क्या है इसका आंसर. आपके रिविजन के लिए है तो आंसर जो है वो है किस पे है, वो थर्ड नंबर पे है. यस, फर्स्ट नंबर पे कौन है, जैक बेफोर्स जो है वही है. सेकंड नंबर पे जो है आपको उनका नाम कमेंट बॉक्स पे बताना है कि सेकंड नंबर पर कौन है. थर्ड नंबर पे बिल गेट्स है. मैं एक हिंट देती हूँ, सेकंड नंबर पे जो है वो फ्रेंड्स से हैं. विच बैंक लोअर्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर फोरकास्ट टू 7% फॉर 2019 ऑन द बैक ऑफ फिस्कल शॉर्टफॉल कंसर्न्स. सो ये किस बैंक ने बताया है, और मैंने कल के सीए में इस बैंक का हेडक्वार्टर भी बताया था और प्रेसिडेंट भी बताए थे. तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. और ये भी मैं बता चुकी हूँ आईबीआरडी आपकी किसकी विंग में से एक है.
सो ये वर्ल्ड बैंक के विंग में से हैं, 5 विंग है जो आपकी पिछली पीडीएफ में आपको मैंने अच्छे से वहाँ पर दे रखी है, सो आपको याद होनी चाहिए और देखते ही आपको ऑप्शन याद आना चाहिए। सो जो बैंक है वो कौन है, जिसके प्रेसिडेंट क्या है, तकाई नकेओ भी हैं। सो आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए गाइस, आप मुझे आपके सजेशन दीजिए कि ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट किस तरह से चाहिए आपको, कि मैं आपको आंसर करने दूं या मैं आपको टाइम दूं या फिर क्वेश्चन देखकर उसे एक्सप्लेन कर और आंसर की स्लाइड पे ले जाऊं। सो प्लीज सजेस्ट मी हाउ यू वांट। इन जुलाई 2019 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टेट द एग्जीक्यूशन ऑफ डैश बाय पाकिस्तान। सो देखिए आप, अगर आप ऑप्शन पढ़ रहे होंगे तो आप चीज समझ गए होंगे कि मैं कौन सी मूवी की बात कर रही थी कल। सो सरबजीत जो है उनकी बहन है जिन्होंने उनके लिए फाइट किया था काफी। सो आंसर जो है वो है कुलभूषण जाधव। चलिए नेक्स्ट, और आपको याद आ गया होगा कि वो मूवी में ऐश्वर्या राय एक्टिंग की है और रणदीप हुड्डा भी एक्टिंग किए। सो गाइज प्लीज इसको गूगल पे टाइप करिए और इमीडिएटली इसके डायरेक्टर का नाम देख लीजिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। और फिर आप उस समय हताश नहीं होइएगा कि यार इसका तो डायरेक्टर ही नहीं पता जबकि पिक्चर देखी हुई है। सो प्लीज देख लीजिए, डायरेक्टर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द डेडली इबोला आउटब्रेक डैश इन एज एन इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी आफ्टर द वायरस स्प्रेड टू अ सिटी ऑफ 2 मिलियन। सो ये कहाँ हुआ था, इजिप्ट, कॉन्गो, लीबिया, सूडान, तुर्की। सो आंसर है आपका कॉन्गो। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज परमिटेड द एक्सपोर्ट ऑफ 1,239 टन्स रॉ शुगर अंडर इट्स TRQ टू द US। व्हाट डस आर स्टैंड्स फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। TRQ में आर क्या है, यहाँ पर आई थिंक ये जब पढ़ा था तो हम लोगों ने या आप लोगों ने शायद तक TRQ पे ध्यान नहीं दिया है। सो इसका देखिए आंसर क्या है। सो आंसर इसका रेट। चलिए नेक्स्ट पर, CCEA हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू द डबलिंग ऑफ 142.97 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन बिटवीन न्यू बोंगाईगांव एंड अखथौर वाया रंगिया इन असम। असम की हमने सारे नेशनल पार्क्स भी पढ़े थे, ट्रिक भी थी, तो आप याद करिएगा। द प्रोजेक्ट विल बी कम्प्लीटेड बाय, देखिए आंसर क्या है, 2022-23। सो ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन होता है कि साल हमें याद नहीं रह पाता है। सो ये काफ़ी एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है। यस, हु क्लेम्ड गोल्ड इन 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल कॉम्पिटिशन एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप इन सुहल जर्मनी इन जुलाई 2019। सो किसने जीता है, देखिए सबसे पहले तो आप इन सारे ऑप्शंस को आपको ये देखकर ये देखना पड़ेगा कि क्या ये सारे ही शूटिंग के हैं, ये आपको निकालना पड़ेगा। सो दिस इज एलिमिनेशन ट्रिक, जो कि हम और बेहतर तरीके से आगे वाले क्विजेज में करेंगे, जिस तरह से आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसा चाहिए जिस फॉर्मेट में। सो आंसर है आपका अनीश भानवाला। चलिए नेक्स्ट है, ये तो आप देख के ही बता देंगे, हु वन गोल्ड इन 200 मीटर रेस एट टबर एथलेटिक मीट इन चेस रिपब्लिक इन जुलाई 2019। अंजू बॉबी जॉर्ज, हिमा दास, ज्योति चंद, कृष्णा पूनिया, स्वप्ना बर्मन। सो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं, हिमा दास, ज्योति चंद, स्वप्ना बर्मन, ये काफ़ी इन लोगों ने काफ़ी कुछ जीता हुआ है। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर आपने पढ़ नहीं रखा, लेकिन फिर भी आंसर क्या है इसका आप लोग जानते हैं, वो है हिमा दास। हिमा दास को हम क्या बोलते हैं, धिंग एक्सप्रेस भी बोलते हैं। सो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से प्लेयर को धिंग एक्सप्रेस बोलते हैं, दैट इज हिमा दास। अब आइए आप टोक्यो ओलंपिक गेम्स के टेस्ट इवेंट के, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन ने क्लिंच किया है सिल्वर और एंट्री पाली है टोक्यो ओलंपिक गेम टेस्ट इवेंट में। दीपिका कुमारी, बोमला देवी, लाय शरम, ज्योति सुरेखा वेनम, मधुमिता कुमारी, सुमंगला शर्मा। सो ये और आंसर इज दीपिका कुमारी। इनकी फोटो भी लगाई थी तो आप लोगों को याद होगा डेफिनेटली इन जुलाई। और देखिए जहाँ पर अगर आपकी फोटो लगी रहेगी वो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा ध्यान रहेंगे, दिस इज़ अ फैक्ट, क्योंकि पिक्चर्स जो हमें होती हैं वो ज़्यादा ध्यान रहती है। इन जुलाई 2019 यूनियन कैबिनेट अप्रूव 1,600 करोड़ रुपीज़ फॉर दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। सो आई थिंक दाइबांग है। सो आपका आंसर क्या होना चाहिए,
अरुणाचल प्रदेश। गाइस कल भी बोला था कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की जो स्टैटिक पोर्शन है आप प्लीज़ याद करके जाइएगा, बहुत ज़रूरी है वो। अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ भी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्या है? और ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2019। द बिल प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ अ नेशनल मेडिकल कमीशन इन प्लेस ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड रिपील इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1967। द एनएमसी बिल प्रपोजेज अ कॉमन फाइनल ईयर एमबीबीएस एग्जाम टू बी नोन एज नेशनल एग्जिट टेस्ट। सो गाइज ये देखिए, नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल 2019। नेक्स्ट तो सबको याद होगा कि नेशनल एग्जिट टेस्ट को क्या बनाया है, एक तरह से पीजी के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम बनाया है, और बाहर से जो भी फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए एक ये कि जो बाहर से जितने भी फॉरेनर्स हैं उनके लिए कि भाई उन्होंने कैसे मेडिकल की तैयारी की है, तो उनके लिए टेस्ट क्या होगा कि हमें बताएगा कि हाँ दे आर वेल ट्रेन। सो अब देखिए प्रॉब्लम अगर हम लोगों को होगी तो वो शायद तक होगी पॉइंट नंबर टू में कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट कौन सा था 1967। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। देखिए अब ऑप्शंस भी देखेंगे आप, ओनली वन तो आपको ये तो पता है कि नेक्स्ट वाली चीज सही है, ठीक है, बोथ वन एंड टू, तो थ्री तो है ही नहीं। तो आपको इस तरह से आप क्या कर पाए हैं कि वन और टू आपने काट दिया है ऑप्शन से, अब बचे आपके बोथ वन एंड थ्री, बोथ टू एंड थ्री एंड ऑल आर करेक्ट। तो अभी ये क्या है यहाँ पर जो है वो टू वाले पे सारी जो जितने भी है सारे ऑप्शन टू वाले पे अटक रहे, तो हमें ईयर याद होना चाहिए। तो देखते हैं क्या है, बोथ वन एंड थ्री, सो ईयर इज नॉट दिस। अभी देखिए कैबिनेट ने आपका अप्रूव किया है एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन। सो अब यहाँ पर पूछा गया है कि कब तक किया गया एक्सटेंशन। सो कल के सीए में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 30 अक्टूबर था लेकिन अभी क्या है 30 नवंबर किया है, और आगे जो हमारा 2020 2025 जो साल जो 5 साल हैं उसकी पूरी प्लानिंग देंगे वो लोग। सो इसीलिए इसको एक्सटेंशन दिया गया है 30 नवंबर 2019 तक। और चेयरमैन कौन है? सो आपके हैं एनके सिंह, दैट इज नंद किशोर सिंह। सो यहाँ पर जितने भी हैं देखिए आप, अशोक लहरी, रमेश, अनूप सिंह और शक्तिकांत दास, आप देख सकते हैं वो क्या हैं, आपके गवर्नर हैं आरबीआई के। सो वो कट गए। अब देखिए आप रमेश चंद, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है सीए तो आपको बिल्कुल याद होगा कि वो पार्ट टाइम मेंबर हैं। बच्चे अशोक लहरी और अनूप सिंह जो कि उनके क्या हैं मेंबर्स हैं फुल टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आ गया क्वेश्चन जो कि बहुत ही कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि था विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन हैज़ वन द पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा गोल्ड अवार्ड 2019। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो था ही, साथ में देखिए क्या था ये कि इसमें हम लोगों को कुछ एक बहुत बड़ी सीख भी मिल रही थी। फाइंड द इनक्रेडिबल यू ही इसका आंसर है, तो चलिए देखिए फाइंड द इनक्रेडिबल यू। सो इसमें हमने कल भी ये पढ़ा था कि हमें अपना अंदर का बेटर वर्जन निकालना है, और जितना हम अभी कर रहे हैं हमारा कंपटीशन सबसे पहले तो हमसे होना चाहिए कि हमने जो कल किया है और हम आज कितना बेहतर कर रहे हैं कल से। हमें डिग्रेड नहीं होना है, हमें अपग्रेड ही होना है, ठीक है। सो द आंसर इज फाइंड द इनक्रेडिबल यू। चीज़ों को अगर आप अपने से कनेक्ट करके आंसर याद रखेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर टूडे सी ए। आप सबके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, आप लोगों को PDF भी मिल गई होगी, और ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए और SBI PU मेंस के लिए। तो कल प्लीज़ पेपर बहुत अच्छा करिए और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विद textbook.com फॉर करेंट अफेयर्स।